नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। आज हम इसमें यूपीएससी और यूपी पीसीएस के करंट अफेयर के तौर पर क्या देखने जा रहे हैं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। इससे पहले हमने पॉलिटी और इकोनॉमिक्स कंप्लीट किया था, फिर हमने काफ़ी दिन का गैप लेने के बाद आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। देखिए, यूपीएससी की खास बात क्या होती है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से कैसे प्रश्न बनाता है, उसका बेसिक पूछता है। करंट का कोई एक लाइन जोड़ेगा, बाकी उसका सारा जो क्वेश्चन रहेगा, जो उसका ऑप्शन सेट रहेगा, सारे बेसिक से रहेंगे। इसीलिए हमें पीटी 365 एक एक लाइन वार अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि बेसिक से ही क्वेश्चन उठते हैं। वहीं यूपी पीसीएस में देखेंगे तो क्या करता है, वो करंट के क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इससे हमें क्या फायदा होगा, हम बेसिक और करंट दोनों ही इस मैगजीन से पढ़ लेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लग रहे तो लाइक करिए और अपना सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। साथ ही साथ इस पीडीएफ को पाने के लिए मैंने अपना टेलीग्राम लिंक भी नीचे जोड़ दिया है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसी चैनल पर एक और वीडियो कम्प्लीट कर रहा हूँ, जिसमें मैंने एंशंट मॉडर्न कम्प्लीट कर दिए हैं, जो क्विक रिविजन के तौर पर हैं। उसके से तीन तीन घंटे में वीडियो, भले ही चार चार पाँच पाँच हो गए हों, लेकिन तीन घंटे ओवरऑल देखेंगे, तीन घंटे में आपका एंशंट, तीन में मेडुअल और तीन से चार घंटे में मैं मॉडर्न भी कंप्लीट कर दूंगा, जिससे आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं, सीधा पहुंचते हैं इसके इंडेक्स पे। सबसे पहले देखेंगे इंडेक्स में क्या है, जीव प्रौद्योगिकी है। इसमें से जीनोम एडिटिंग, जीन ड्राइविंग प्रौद्योगिकी, जीनोम अनुक्रम, थ्री पेरेंट्स बेबी, स्टेम सेल, कार्ट ट्री सेल थेरेपी, हाँ, डाइवर्स एपीजेनेटिक, एपीडेमियोलॉजी पार्टनरशिप। देखिए, ये सब जो नाम है थोड़ा पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत होते हैं, लेकिन आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और साथ ही साथ ये नाम रट लीजिएगा। कभी कभी होता है सिर्फ नाम ही लिख देगा, पूछेगा ये क्या है, तो ये सब ध्यान रखिएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं आज जीनोम एडिटिंग से, यानी कि बायो प्रौद्योगिकी से स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला चैप्टर हमारा क्या है इसमें, जीनोम एडिटिंग। देखिए, कैस्पर 9 से जो क्वेश्चन देखेंगे 2019-20 में लगातार आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये एक ऐसी प्रौद्योगिकी है, ये एक ऐसा नवाचार है जो पूरे मानव सभ्यता को बदल सकता है। और यूपीएससी में ऐसे ही प्रश्न आते हैं जो पूरे सभ्यता को बदलने की बात करते हैं, कि पूरे एक नई क्रांति आ जाए किसी क्षेत्र में, तो वहां से प्रश्न जरूर बनता है। क्योंकि क्रांति कोई एक दिन में नहीं आती है, क्रांति कई चरण होते हैं। चलिए, भारतीय शोधकर्ताओं ने जीनोम एडिटिंग तकनीक का उपयोग करके पहली कम तीखी गंध वाली सरसों की एक नई किस्म विकसित की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रश्न है कि किसकी, सरसों की एक फसल विकसित की है जो कम तीखी गंध वाली है, इसमें भारतीय शोधकर्ताओं ने की है। अब है अन्य संबंधित तथ्य देख लेते हैं क्या क्या है। सरसों की यह नई किस्म कम तीखी गंधक वाली है, इसका कारण यह है कि इसमें ग्लूसिनोलेट की मात्रा कम है। यह मात्रा जो है जो कैनोलो इक्विटी लेवल यानी 30 भाग प्रति मिलियन या ppm सूक्ष्म भार के अनुरूप है। हालांकि ग्लूकोसिनोलेट उच्च स्तर इसे बेस्वाद व सख्त बनाता है, तथा पशुओं में घेंगा और आंतरिक अंग असमानताओं का कारण बनता है। सरसों की इस किस्म का उत्पादन कैस्पर 9 तकनीक का प्रयोग करके किया गया है। इस किस्म को उच्च उपज वाली भारतीय सरसों की किस्म वरुणा के जीनों में एडिटिंग करके विकसित किया गया है। यह मैं सब पे कलर करते जा रहा हूँ, मैं अभी लास्ट में पढ़ने वाला, मैं आप एक और मार्क करूँ तो वो मार्क आपको जरूर पढ़ना है। अभी मैं इसको एक बार मैं अभी पढ़ना स्टार्ट करूँ तो मैं क्या करूँ, एक एक मार्क कर रहा हूँ, उसके बाद लास्ट में जब ये जीनोम एडिटिंग खत्म हो तो मैं रेड कलर की पेन से एक मार्क कर दूँ, वो आप अपने उसमें लिख लीजिएगा। यह पौधे को रोगजन जानवर आदि से भी बचाता है। भारतीय सरसों 120 से 130 ppm ग्लूकोसिनोलेट होता है। इतना मतलब अभी जो इम्पोर्टेंट हो रेड कलर के पेन से मार रहा हूँ, क्योंकि प्रश्न यहीं से बनेगा। पहला होगा ये सरसों में कम तीखी गंधक वाली किस्म है, ठीक है। बाकी ये सब उतना एक बार देख लीजिए, कोई इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, ठीक है।
फिर ये जो होगा पशुओं पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये देख लीजिएगा, ठीक है। कैसी तकनीक यूज़ की गई, कैस्पर नाइन तकनीक यूज़ की गई है बस ये। और वरुण जो कई बार प्रश्न चुका है कि सरसों की जो किस्म का नाम वरुण है वो ध्यान रख लीजिएगा बस। अब आगे देखने जा रहे हैं हम लोग जीनोम एडिटिंग के बारे में देख लेते हैं। जीनोम एडिटिंग के जरिए सजीवों जैसे पादप बैक्टीरिया और प्राणी के डीएनए में कुछ बदलाव किए जाते हैं। डीएनए को एडिट करने से शारीरिक लक्षण जैसे आंखों के रंग में बदलाव और अन्य बीमार खतरा भी कम हो सकता है। इसके तहत बदलाव करने के लिए साइट डायरेक्टो न्यूक्लियस यानी sDNA का उपयोग किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट देखिए कि ये जो जीनोम एडिटिंग होते हैं वह कैसे होता है, ये साइड डायरेक्टेड न्यूक्लियस के द्वारा होता है। इसके बदलाव के कुछ संख्या में न्यूक्लियोसाइट को जोड़ना, उनमें से कुछ को हटाना या प्रतिस्थापित करना शामिल है। SND यानी कि साइट न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियो साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियो न्यूक्लियस में के तात्पर्य जो है वो अनुवर्ती जीनोम एडिटिंग को प्रभावित करने वाले डीएनए तंतुओं को द्वि कुंडली करने को पद्धति है। इस प्रक्रिया के संपादन की प्रक्रिया के आधार पर तीन श्रेणी sDNA1 sDNA2 sDNA3 विभाजित किया जाता है। इन्फोग्राफिक्स जो ऊपर वाला ये देख सकते हैं, इसको भी हम देखेंगे होती है इसकी परंपरा। हाँ sDNA1 और sDNA2 दोनों को बाहरी अनुवांशिकी सामग्री का प्रवेश नहीं कराया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप जो फसल प्राप्त होती है उसका परिणाम जो है फसल किस्मों से भेद कर पाना मुश्किल होता है। दूसरी ओर sDNA3 प्रक्रिया में बाहरी यानी विदेशी मूल के जीनों का प्रवेश कराया जाता है। इस संबंध में उपयोग की जाने वाली अन्य कैस्पर नाइन तकनीक को इन्फोग्राफिक्स ये ऊपर दिया हुआ है, पहले इसको पढ़ फिर इन्फोग्राफिक्स देख लेते हैं। जीनोम एडिटिंग के अन्य तरीके में शामिल है जिंक फिंगर न्यूक्लियस और ट्रांसक्रिप्शन इक्वेटर लाइफ इफेक्टिक्स न्यूक्लियस। ये जो है ना टेल्स ये पूछ लेगा कि ये क्या है, ये क्या है ट्राई ट्राइक्लिसरिन एक्टोवेटर लाइफ इफेक्टेड न्यूक्लियस है। अब है अनुवांशिकी रूप से संशोधित जीवों के विपरीत जीन एडिटिंग के तहत गुणवत्ता में सुधार के लिए मौजूदा अनुवांशिक सामग्री में संशोधन किया जाता है। गुणवत्ता में सुधार के लिए GMO से ट्रांसजीन यानी जो है विदेशी जीन शामिल किए जाते हैं। GM फसलों के लिए पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अनुवांशिक इंजीनियर मूल्यांकन समिति से पर्यावरण मंजूरी हासिल करना होता है। जेक का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत स्थापित किया गया है। जब आप ओपन हेक सम्मेलन देखेंगे तो उसमें आपको ये चीज देखने को मिलेगा। अब है ये जीनोम एडिटिंग देख लेते हैं क्या है ये, इसे क्या क्या ये स्वास्थ्य में जो आप देखें अनुवांशिक रोग का इलाज करती है। कृषि में कीट प्रतिरोधक फसलें, सूखे की स्थिति को समझने में सक्षम आदि फसल है। सिंथेटिक बायोलॉजी जो है वो देख लेते हैं, वो क्या है कस्टम डिजाइन वाली विशेषताओं के साथ जीवों को तैयार करना। जैव विविधता का संरक्षण देख लेते हैं, इससे क्या होता है, इसे कहते हैं इंजेंडर प्रजाति जो होते हैं उनमें जीनोम में संशोधित किया जा सकता है। अब है संबंधित घटनाओं का एक अवधारणा देख लेते हैं। GM फसलें क्या है, GM फसलों में अन्य प्रजाति के जीन कृत्रिम रूप से शामिल किए जाते हैं। BT यानी कि बैसिलस थ्यूरोजीनियस फसलें या अनुवांशिक रूप से संशोधित फसलें या ट्रांसजेनिक फसलें हैं। इसमें मिट्टी में पाए जाने वाले जीवाणु बैसिलस थ्यूरोजीनियसिस की जीन की संख्या जीन को शामिल किया जाता है। यह प्रोटीन का निर्माण करते हैं जो बॉलवर्म कीटों के लिए विषाक्त होते हैं। BT कपास एकमात्र फसल है जो भारत में व्यावसायिक खेती के लिए मंजूरी दी गई है। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि इसमें पिंक वालमार्म
के खिलाफ अपनी प्रभाविता खोती है, यानी कि धीरे धीरे खराब भी हो रहा है। हाल ही में GEAC ने राज्यों के एक नए प्रकार के ट्रांसजेनिक फसलों के बीजों का परीक्षण करने के लिए कहा है, जिसमें क्राइड टू AI जीन शामिल है। कपास को पिंक वालमार के प्रति प्रतिरोध बनाता है। बीटी कपास में बोलगार्ड और बोलगार्ड फर्स्ट और सेकंड तकनीक का उपयोग किया गया है। 2012 में बीटी बैगन की खेती की कोशिश की गई, लेकिन स्वास्थ्य और पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव देखने को मिला। GM मस्टर्ड धारा आ मस्टर्ड हाइब्रिड 11 BMH 11 दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा संशोधित ट्रांसजेनिक सरसों की एक किस्म है। इस किस्म में दो बाहरी जीन्स बर्नेस और बारस्टार को शामिल किया गया है। इन्हें मिट्टी में पाए जाने वाले बेसिसस एमाइलो क्रिप्टेसेनेस नामक जीवाणुओं से लिया गया है। DMH11 का निर्माण जो है सरसों की किस्में वरुणा और आप देखेंगे कि अर्ली हीरा सेकंड को शामिल मिलाकर अर्थात संक्रमण किया गया है। DHM1 ट्रांसजेनिक फसलें हैं क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार की बाहरी जीनों का उपयोग किया गया है। एंजाइम रिप्लेसमेंट थ्योरी देख लेते हैं। ERT क्या है? यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने दुनिया में पहली एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी की मंजूरी दी है। इस थेरेपी का नाम एडजिनम क्या है? एडजिनम है या पहला रिकॉम्बिनेट यानी अनुवांशिकी रूप से संशोधित प्रोटीन पदार्थ उत्पाद है। इसे ऑन डिमांड एंजाइम रिप्लेसमेंट थ्योरी की मंजूरी दी गई है। अब ये चैप्टर जो है यहाँ क्लोज होने वाला, तो इसके बाद जहाँ इंपॉर्टेंट हो वहाँ हम टिक करेंगे। हाँ, इसे कंजेनेटल प्रोबोटिक प्रोबोसाइटोपिनिक्स पूरा पूरा नामक एक जो CTT ऐसे नाम ना, यही से पूछ लेगा किससे संबंधित है। सीधा पूछेगा, ये ना पूछेगा किसका नाम, इसका पूछ लेगा ये विज्ञान संबंधित है, अंतरिक्ष विज्ञान संबंधित है, तो ये सब पूछ लेगा, ये ध्यान रखिएगा। एक दुर्लभ ब्लड क्लॉटिंग विकार का इलाज किया जाएगा। जिन व्यक्तियों में एंजाइम की कमी होती है या फिर वह ठीक कार्य नहीं कर रहा होता है, तो उन्हें ERT के तहत रिप्लेसमेंट एंजाइम दिया जाता है। रिकॉम्बिनेट DNA टेक्नोलॉजी या पदार्थों को विभिन्न प्रजातियों में प्राणियों से पादप तक और सूक्ष्म जीवों से बड़े जीवों तक के जीन्स को स्थानांतरित करने की संभव बनाता है। अब इसमें हम देखेंगे इंपॉर्टेंट कहाँ का, पहले एक इन्फोग्राफिक्स बचा तो वो देख लेते हैं। Cas9 टेक्निक के बारे में देख लेते हैं क्योंकि UPSC में 2 बार से क्वेश्चन प्री में आ चुका है। Cas9 प्रोटीन कोशिका में गाइड यानी कि RNA के साथ मिलकर Cas9 RNA कॉम्प्लेक्स का निर्माण करती है। यह कॉम्प्लेक्स एक स्पेयर यानी पीले खंड के रूप में दर्शाया गया है। इसे सटे एक मैचिंग जीनोम DNA अनुक्रम को जोड़ा जाता है। Cas9 RNA कॉम्प्लेक्स DNA दोहरी लड़ियों यानी डबल स्ट्रेट का होता है। फिर उसके बाद देखेंगे प्रोग्राम DNA को इन कटे हुए हिस्से में जोड़ दिया जाता है, मतलब पहले से जो बेकार होता है उसको अलग करते, बीच में इसको जोड़ देते हैं। अब हमें क्या कर रेड पेन से करना था कहाँ कहाँ है, ये जीनोम एडिटिंग किसमें किसमें की जाती है ये बस देख सकते हैं आप, ठीक है। फिर क्या है, DNA से आंखों आंखों का ये सब हो सकता है, ये सब देख सकते हैं। फिर तीन प्रकार का ये हो सकता है, तीन श्रेणियों में ये विभाजित देख सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं ये इसका नाम देने क्या है, ये देख सकते हैं। फिर ये एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये पर्यावरण संरक्षण याद रखिएगा कब का है, ये फायदे देख सकते हैं क्या क्या फायदे हो सकते हैं इससे। फिर बीटी कपास के बारे में देख सकते हैं कि इसको ये पहली ऐसी फसल है जिसको कहते हैं शामिल किया गया है, बस ये देख लीजिए एकमात्र फसल जो व्यावसायिक खेती के लिए है बीटी जो कपास है वो है, लेकिन धीरे धीरे ये भी जो है लो हो रहा है अपनी प्रोडक्टिविटी में। हाँ, बैगन को किस वर्ष के बाद में पर्यावरण स्वास्थ्य कारण रोक दिया गया था ये देख सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल देख सकते हैं, बस इससे ज्यादा और इसमें कोई इंपॉर्टेंट
नहीं है, बाकी जो छोटे छोटे नाम हैं ये देख लीजिए, जैसे एक नाम मैंने यहाँ जो किया था ना, ये एडजिनमा, ये याद कर लीजिएगा बस। अब जो है जीन ड्राइविंग प्रौद्योगिकी देख लेते हैं क्या क्या है, लेकिन उस पर कोई थोड़ा पानी पी लें। देखिए एक टॉपिक को कंप्लीट करने, पूरा पढ़ने में 15 मिनट से ज़्यादा लग जाते हैं, इसलिए बहुत धैर्य से पहली बार पढ़िए तो बहुत धैर्य से पढ़िए, ये नहीं पाइए तो एक बार में 2 दिन में पूरा कंप्लीट कर दीजिए, ऐसा मत करिए। हाँ, 2 टॉपिक ही पढ़िए, लेकिन वो 2 टॉपिक अच्छे से पढ़िए, लेकिन पढ़िए, क्योंकि बिना पढ़े काम नहीं चलता है। 1 मिनट, लैपटॉप को क्या हो रहा है यार ये। अब है जीन ड्राइविंग प्रौद्योगिकी देख लेते हैं, ये क्या इंपॉर्टेंट है ये थोड़ा देख लेते हैं। जीन ड्राइविंग प्रौद्योगिकी, अब है जीन ड्राइविंग टेक्नोलॉजी GDT पर एक आधारित एक हो रहा है यार। चलिए ये वीडियो यहीं रोकते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं, हम जीन ड्राइविंग प्रौद्योगिकी देख ले, ड्राइव प्रौद्योगिकी देख लेते हैं। जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी पर आधारित परीक्षण के तहत मच्छरों की आबादी को काफी कमी लाने में सफलता देखी गई है। इसके तहत मादा मच्छर की जनन क्षमता को समाप्त किया जाता है। बस यहीं लिख देगा नर, ध्यान रखिएगा एक क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो सकता है। अब आ गया है जीन ड्राइव जो टेक्नोलॉजी, उसके बारे में देख लें। जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी एक प्रकार की अनुवांशिकी इंजीनियरिंग तकनीक है। इस तकनीक में मेंडेलियम अनुवांशिकी क्रम के निर्धारित नियमों को बदलने के लिए जीनों में संशोधित किया जाता है। सरल शब्दों में जीन ड्राइविंग एक प्रकार की अनुवांशिकी तकनीक, इंजीनियरिंग तकनीक है। इस तकनीक के जरिए जीन को संशोधित किया जाता है, जिसमें जिनके चलते निर्धारित जीन अनुवांशिकी रूप से वंश क्रम में शामिल हो जाते हैं। मेंडेलियन वंशानुक्रम वस्तुतः माता पिता के अनुवांशिकी लक्षणों के संतानों में रूपांतरित होने के पैटर्न को संदर्भित करते हैं। जीन ड्राइविंग में 3 प्रमुख घटक होते हैं। जीन डीएनए को काटने के लिए कैस्पर 9 एंजाइम, जो हमने अभी पहले पढ़ा है। अब कैस्पर अर्थात रिपीटेटिव डीएनए का अनुक्रम, इन 3 घटनाओं के जरिए एनकोड की नई अनुवांशिकी सामग्री को मूल जीन के स्थान पर जीन डीएनए में जोड़ दिया जाता है। इससे जुड़े गए जीन अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, जिससे ये जीन तेजी से आबादी फैल जाते हैं। अब जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी के बारे में देख लेते हैं। वेक्टर जो होता है, इसमें जीन बीमारियों को नियंत्रित का उपयोग मलेरिया, डेंगू और जीका वायरस फैलाने वाले मच्छरों को खत्म करने में किया जा सकता है, आपको पता है। हाँ, अब कृषि कीटों को नियंत्रित करने के लिए जो ये एक उपयोगी है, जाकर देखते हैं। एक नया चैप्टर है, लेकिन इसमें कुछ इन्फोग्राफिक्स दिया हुआ था, ये देखिए। सामान अनुक्रम का चलता है, एक ऐसे ऐसे करके चलता है, लेकिन जो जीन ड्राइविंग होता है वो यहाँ जाएगा, फिर 2 इस सब में फैलेगा, तो ये जो इसमें इंपॉर्टेंट है उधर से। अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, आज थोड़ा छोटा ही रख रहे हैं, कुछ काम भी है जरूरी। जीनोम अनुक्रम के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।